हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी शादी को भी 13 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैंने बिल्कुल न्यू ड्रेस पहना है और बड़े ही अलग स्टाइल से बनवाया है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये स्टाइल कैसा लग रहा है। तो चलें, बहरहाल आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज आपसे बहुत ही मज़े की एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो चलें किचन में चलते हैं। यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़े का शाशलिक, और उसकी क्विक सी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी क्योंकि आज एनिवर्सरी है और हस्बैंड की फरमाइश पे बन रहा है ये वाला डिनर। तो यहाँ पर चिकन को मैंने बारीक स्ट्रिप्स में कट कर लिया है, उसको मैरिनेट किया है, नमक, काली मिर्च और एक एग डाल दें। इसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स जाएंगे और इसके अलावा इसके अंदर कॉर्नफ्लावर जाएगा। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मेरे पास अवेलेबल था, ये डाल दिया और इसे करेंगे मैरिनेट। और यस, डोंट फॉरगेट, इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून सोया सॉस भी ऐड की है फ्लेवर्स को और इन्हांस करने के लिए। तो अब मैं वेजिटेबल्स कट कर लेती हूँ क्योंकि झटपट से साथ में फ्राइड राइस भी बनाऊँगी। आज मैं बनाने वाली हूँ एग फ्राइड राइस। इसकी डिटेल रेसिपी भी आप लोगों से ऑलरेडी शेयर की हुई है, लेकिन फिर भी आप लोगों से आज की रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने कैप्सिकम और कैरेट्स को कट कर लिया है, साथ में मैंने कैबेज भी ली है थोड़ी सी, क्योंकि आज मुझे स्प्रिंग अनियन बिल्कुल नहीं अवेलेबल था, ना मेरे पास था घर में और ना ही मुझे बाहर से मिला। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले चिकन को फ्राई कर लूँगी, इनके स्ट्रिप्स को वन बाय वन जो है ना, इसको गोल्डन फ्राई कर लूँगी इतना कि ये कुक हो जाए अच्छी तरह से। इसके बाद इसको प्लेटर में निकाल लें और आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो आकर अब ये चुराएंगे, क्योंकि आपको तो पता है ना, बच्चों को रोकना मुश्किल है। तो बहरहाल यहाँ पर चिकन फ्राई कर लिया है, अब मैं वेजिटेबल सौते कर रही हूँ। यहाँ पर मैं शाशलिक में ऐड करने वाली हूँ कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च और साथ में डालूँगी अनियन। इसको लाइट सा सौते करते हैं उसी ऑयल में जिसमें मैंने चिकन फ्राई किया था, उसमें से बाकी ऑयल मैंने साइड पे निकाल लिया और बिल्कुल कम से ऑयल में मैं ये वेजिटेबल सौते कर रही हूँ। अभी जो बाकी रिमेनिंग ऑयल है उसके अंदर मैंने गार्लिक चॉप किया हुआ ऐड किया है और साथ में ही ग्रीन चिलीज भी जाएंगी। इसको मैं थोड़ा सा चटपटा सा बनाने वाली हूँ, बहुत ही डिफरेंट और मज़े की रेसिपी है। इसके बाद इसके अंदर मैंने चिली सॉस ऐड की है, केचप नहीं डाली, चिली सॉस डाली है क्योंकि ये थोड़ा सा स्पाइसी बनेगा। और इसके बाद तकरीबन एक कप मैंने इसमें चिली सॉस डाल दी और 2 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस डालूंगी। अब इसके अंदर मैंने 2 भर के चम्मच यानी 2 टेबल स्पून जो है ना वो ब्राउन शुगर ऐड की है यानी कि शक्कर। और ये तमाम जितनी भी स्पाइसी था ना, एक दूसरे के टेस्ट को बैलेंस करेंगी। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा चाइनीज सॉल्ट डाला था, नमक डाला था, कुटी लाल मिर्च और काली मिर्च और थोड़ी सी चिली सॉस, जो स्वीट चिली सॉस होती है ना, वो मेरे पास ख़त्म हो गई है, वो बिल्कुल थोड़ी सी डाली। इसके अलावा पेपरिका पाउडर डाल दें या रेड चिली पाउडर आप डाल दें। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और चिकन स्टॉक ऐड कर दूँगी थोड़ा सा, जितनी सी मुझे रिक्वायरमेंट है, और इसे कुक करेंगे। जैसे जैसे शुगर मेल्ट होगी, कैरमलाइज होगी, तो ये सॉस जो है ना, ये थिक होना शुरू हो जाएगी। अब इस पॉइंट पे आप 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर जो है ना, वो चिकन स्टॉक में ऐड कर लें या पानी में ऐड कर लें और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉस आप इसकी रेडी कर लें। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब इसके अंदर फ्राई की हुई तमाम वेजिटेबल्स और चिकन डाल दें। आप चाहें तो और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, आप चाहें तो मशरूम्स भी डाल सकते हैं इसके अंदर, जो जो वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगती हैं। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सॉस में एक बार और ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा शाशलिक रेडी हो गया है। जितने भी इस तरह के खाने होते हैं ना, आप यकीन करें इनको कुक करना इतना आसान होता है ना, सारा टाइम जो होता है ना इनकी प्रिपरेशन, जो इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर करने में लगता है ना, वही लगता है, कुकिंग टाइम बिल्कुल कम होता है। अब दूसरी तरफ फ्राइड राइस बना रही हूँ, एग फ्राइड राइस। उसके लिए मैंने पैन में ऑयल ले लिया है और यहाँ पर मैंने एग्स जो हैं उनके अंदर थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड किया था ताकि राइस को खूबसूरत बनाने के लिए। इसको अच्छी तरह से एग्स को फ्राई करके एक अलग पैन में निकाल लेंगे और इसके बाद इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स को सौते करेंगे वन बाय वन। पहले मैं कैरेट्स डाल के थोड़ा सा सौते कर लेती हूँ क्योंकि कैरेट्स जो है वो हार्ड होती हैं। इसके बाद मेरे पास जो कैप्सिकम और कैबेज है, बंद गोभी और शिमला मिर्च, वो भी ऐड कर दी है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, बिल्कुल क्विकली सा मिक्स करेंगे, हाई फ्लेम पे पकाना है ताकि वेजिटेबल्स का जो क्रंच है वो ख़त्म ना हो। वेजिटेबल्स जो होती है ना, इसका अपना क्रंच होता है, वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगी जिसमें नमक, काली मिर्च, कुटे लाल मिर्च और थोड़ा सा चाइनीज सॉल्ट या फिर आप चिकन पाउडर ऐड कर सकते हैं फ्लेवर्स के लिए।
तो जितनी भी स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैं आपसे अपना मेथड शेयर कर रही हूँ। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर विनेगर भी डालूंगी, थोड़ी सी सोया सॉस भी मैंने ऐड कर दी थी। विनेगर डालने से ये होगा जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनके जो कलर्स हैं वो बिल्कुल मेंटेन रहेंगे और चावल खिले हुए बनेंगे। अब इसके अंदर बॉयल किए हुए राइस, जिसे तकरीबन मैंने 90% बॉयल कर लिया था, वो ऐड कर दिए। एग्स भी ऐड कर दिए, थोड़ा सा ऊपर से ऑयल डालें आप चाहें तो। इसके अंदर बेसिकली जो है ना वो सेसमी ऑयल जाता है, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था। डेफिनेटली हमारे यहाँ ये सब चीज़ें ज़रा कम ही बाय करते हैं हम लोग। सेसमी ऑयल आप डालेंगे तो बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। और इसके बाद इसके अंदर आप फूड कलर डाल दें इसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। थोड़ी देर के लिए 5 मिनट आप इसको दम पे रखें और ये प्रेजेंटेशन के लिए रेडी है। बिल्कुल ज़बरदस्त सा क्विक सा डिनर जो मैंने बनाया था, और यकीन करें रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़े का बन जाता है अगर आप प्रॉपर वे में रेसिपी को फॉलो करते हैं। तो ये मज़े का शाशलिक और एग फ्राइड राइस हमारे रेडी हो गए हैं। अब मैं प्लेटर्स में निकाल रही हूँ और अब हम अपना डिनर करते हैं। वैसे तो हर दिन ही बहुत ख़ास होता है हस्बैंड वाइफ के लिए, और फैमिली टाइम हम लोग हमेशा इंजॉय करते हैं, लेकिन आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है। अल्हम्दुलिल्लाह 13 ईयर्स हम लोगों ने साथ गुजारे हैं। बहुत अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं हस्बैंड वाइफ की लाइफ में, जाहिर सी बात है। दो डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन्स आर लिविंग द सेम लाइफ एंड हैव द सेम डेस्टिनी, दैट्स व्हाई दे हैव टू फेस सो मैनी स्ट्रगल्स एंड दे हैव टू फेस सो मैनी ट्रबल्स। साथ एक दूसरे का होता है तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती है। ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं होती, उसको मिलकर आसान बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग मज़े का डिनर कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है ना वो मेरी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं और बहुत सारे लोग व्लॉग्स देखना चाहते हैं। तो मैंने यही सोचा है कि मैं आप लोगों के साथ अपने व्लॉग में ही रेसिपीज़ शेयर करूँगी, और वीक में 2 बार इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलूँगी। वेनसडे और सैटरडे को मैं आप लोगों से अपनी वीडियोस शेयर किया करूँगी। होपफुली आप लोग मेरे साथ कॉपरेट करेंगे, बिकॉज आई एम अ मैरिड हाउसवाइफ और मेरे बच्चों की मुझे स्टडी भी करवानी होती है, तो मेरे लिए रूटीन मैनेज करना आसान नहीं हो रहा। बहरहाल फिर भी आप लोगों से इन टच रहूँगी। और यहाँ पर हम लोग केक कट कोई नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं तो हम लोग यहाँ पर आइसक्रीम ले आए थे, बच्चों ने ब्राउनी वाली आइसक्रीम ली थी, तो उसी के साथ हम लोगों ने अपनी सेलिब्रेशन को कंप्लीट किया। मुझे ये आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा टेस्टी आइसक्रीम होती है ये वाली, अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं की तो ज़रूर करना। तो यहाँ पर मेरी एनिवर्सरी जो है ना कंप्लीट हो गई इतनी मज़े की आइसक्रीम और इतने मज़े डिनर के साथ। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अपना बहुत ख्याल रखना और हमेशा दुआ में याद रखना। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।